Namaste students, this is question number 2nd of exercise 13.2. A cell and engineering student was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the मॉडल दैट सेल मैन। ओके बेटा देखिए इसमें एक सेल इंजन के स्टूडेंट उसने एक मॉडल बनाया है वो किस शेप के अंदर है हमारे पास सिलैंडरिकल शेप के अंदर है और उसके दोनों तरफ हमारे पास क्या अटैच है कोन अटैच है ओके अब देखिए आपको डायमीटर गिवन है मॉडल का टोटल डायमीटर कितना है मॉडल का हमारे पास 3 सेंटीमीटर और उसकी टोटल हाइट कितनी है लेंथ मतलब टोटल हाइट मॉडल की 12 सेंटीमीटर और ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर और हर एक कोन की दोनों कोन की ईच कोन की हाइट जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है और आपको क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रसेल मैन उस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले हम उसकी शेप देखते हैं बेटा वो कैसे बना हुआ है देखिए आप बेटा सबसे पहले देखो आपको गिवन है एक सिलैंडरिकल शेप है आपके पास और उसके दोनों तरफ क्या अटैच है हमारे पास कोन अटैच है ओके अब कोन की आप देखो हाइट कितनी गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है क्या देखो दोनों तरफ ईच कोन की रेडियस कितनी है हमारे पास डायमीटर है क्या 2 सेंटीमीटर ईच कोन हैज ए हाइट हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर ओके तो ये हाइट हो जाएगी हमारे पास कोन की कितनी है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ द मॉडल मॉडल का डायमीटर कितना है हमारे पास ये मॉडल जो है इसका डायमीटर कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर ये टोटल कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर ओके और टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास टोटल लेंथ जो है मॉडल की वो हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर ओके बेटा अब देखिए अगर आपको सिलेंडर की निकालनी है हाइट तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी देखिए आप टोटल हमारे पास कितनी है 12 और ये कितनी है हमारे पास 2 और 2 तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर मीन सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर डायमीटर कितना हमारे पास मॉडल का 3 सेंटीमीटर ओके बेटा अब देखिए आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल अब देखिए वॉल्यूम निकालना है आपको बेटा तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन मॉडल बेटा देखो आपकी शेप किससे कंसिस्ट है एक तो सिलेंडर है आपके पास तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस क्या होगा हमारे पास दो कोन है हमारे पास तो दोनों के जो वॉल्यूम है वो क्या होंगे सेम होंगे अब हम एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं डबल हो जाएगा ओके वॉल्यूम ऑफ ईच कोन एक कोन का वॉल्यूम और उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा ओके बेटा आप देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओके बेटा देखिए कॉमन क्या आपके पास ये हमारे पास कोन की हाइट है और ये हमारे पास सिलेंडर की हाइट है तो ये ध्यान रखना ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेंडर के लिए और ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कोन के लिए ओके तो एच दोनों का डिफरेंट है और रेडियस दोनों के क्या होंगे सेम ये हमारे पास डायमीटर कितना है 3 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 ओके तो बेटा देखिए पहले कॉमन निकालते हैं पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां से मेरे पास बचेगा h और प्लस यहां से हमारे पास बचेगा 2/3 ये 2 बन जाए 2/3 2/3 और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन ये बचेगा h ओके अब बेटा क्या करना है आपको वैल्यू पुट करनी है वैल्यू पुट कीजिए आप देखिए पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है हमारे पास 3/2 तो 3/2 ओके एच कितना हमारे पास एच हमारे पास ये किसका है सिलेंडर का एच है हमारे पास 8 प्लस 2/3 एच कितना हमारे पास किसका कोन का कोन की हाइट कितनी हमारे पास 2 बेटा ये देखिए 2 से इसको आप कट करते हो तो ये बन जाएगा 11 तो ये कितना हो गया हमारे पास ये हो गया 11 into 9 99 upon 7
99 अपॉन 14, 72 जा कितना हो जाएगा 14, ओके। और ये कितना हो गया हमारे पास 8 प्लस 4 बाई 3। बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, एलसीएम लेने पे एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 3। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में पास 1 है, तो आप क्या करोगे 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, और इसको 3 को 3 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास 1 होगा, 4 1 जा 4, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 99 अपॉन 14, और मल्टीप्लाई में 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, और अपॉन में 3। बेटा देखो 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक यूनिट्स के अंदर होता है, तो हमारा आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी शेप कौन सी है, जो शेप बन रही है वो कौन सी शेप से कंसिस्ट होकर बन रही है। तो इसके अंदर देखो आप एक सिलेंडर था आपके पास और दो थे आपके पास कोण, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ ईच कोण, क्योंकि दोनों कोण के वॉल्यूम जो है वो क्या होंगे सेम होंगे, इसलिए एक कोण का वॉल्यूम निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, ओके। अब बेटा देखिए पाई आर स्क्वायर एच, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रख दिया 2, और वॉल्यूम ऑफ ईच कोण, कोण का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ कॉमन लेना है हमको इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो कॉमन लेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों एच डिफरेंट है, ओके ध्यान रखना बेटा। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया अपन ने, तो ये एच बचेगा सिलेंडर का प्लस 2 2 2/3, और ये एच बचेगा हमारे पास कोण का, ओके। तो ये सिलेंडर का है और ये कोण का, तो ये एच की वैल्यू डिफरेंट है, ओके। अब बेटा देखो वैल्यू पुट करेंगे 22.7, रेडियस हमारे पास कितनी थी, डायमीटर 3 गिवन था, तो रेडियस उसकी हाफ 3/2 स्क्वायर करना है इसलिए 2 टाइम्स, और ब्रैकेट के अंदर देखिए आप एच की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर का एच चाहिए हमारे पास, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 प्लस 2/3, और एच कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 2 हाइट ऑफ कोन। बेटा इसको सॉल्व करोगे आप तो ये देखो ये तो बन जाएगा मेरे पास 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम, और 11 * 9 99, और 7 * 2 = 14, ओके। अब ये हो गया 8, 2 * 2 = 4, 4/3, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 3, और इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 का कितना हो जाएगा 24 प्लस, ये ऑलरेडी 3 है तो 3 को 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा 4, ओके। ये हमारे पास 99 और 14 है, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, अब 1 में 3, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 3 1 जा 3, और 33 जा 99, ओके। हमारे पास बचा न्यूमरेटर में 33 और 2, 33 2 जा कितना होता है 66, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ओके ऑल ऑफ यू।